हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सेतु कानानी और आज मैं करने वाली हूँ नेचुरल मेकअप लुक, जो आप एवरीडे कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, एंड इफ यू विश यू कैन ऑल्सो डू इट इन फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्राइमर। एज आई हैव ड्राई स्किन तो मैं यूज कर रही हूँ हाइड्रेटिंग प्राइमर। इसे मैं अच्छे से इवनली लगा रही हूँ फेस पे और स्प्रेड करूँगी अपने फिंगर्स से, तो एप्लीकेशन भी स्मूथ होती है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड योर नेक एज वेल। तो मैं अच्छे से इसे लगा रही हूँ। सो माई नेक्स्ट स्टेप इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर फाउंडेशन। आई मीन द शेड नंबर 4 बेज मैट। सो आई हैव टेकन द प्रोडक्ट इन द बैक ऑफ माई हैंड और मैं अप्लाई करने वाली हूँ डॉट मेथड से, और इसे फिंगर्स से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा पिगमेंट सोख ना हो जाए स्पॉन्ज या फिर ब्रश में। तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई इवनली अप्लाई कर रही हूँ एंड आई स्प्रेड इट विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन ब्रश। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज ब्रशेस फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड मार्स एंड फ्यू विच आई हैव लोकली सोर्स्ड। विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन ब्रश मैंने इवनली अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन, और आप देख सकते हैं मेरा बेस रेडी है फॉर द मेकअप। सो द नेक्स्ट स्टेप इज आई एम गोइंग टू अप्लाई अ बिट ऑफ कंसीलर टू ब्राइटन अप द एरियाज, और मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर्स। इसका ब्लेंडेबिलिटी बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। इवन इफ यू डोंट वेयर फाउंडेशन एंड जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर, यू आर गुड टू गो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर पफ। ये बहुत ही ईजीली ब्लेंड करता है कंसीलर्स या फिर एनी प्रोडक्ट ऑफ मेकअप, और ये बहुत ईजीली अवेलेबल है मार्केट्स में। सो अब बारी है हाइड्रेटिंग योर लिप्स बिफोर अप्लाइंग एनी लिपस्टिक। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई वैसलीन पेट्रोलियम जेली विच हाइड्रेट्स योर लिप्स इन सेकेंड्स, और ये अप्लाई करने के बाद मैं ऐसे ही 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ, और बिफोर अप्लाइंग एनी लिपस्टिक आई विल जस्ट स्वाइप इट ऑफ। तो ये बहुत अच्छा बेस देता है लिपस्टिक्स के लिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आई शेडो इन ब्राउन टू कॉन्टोर माई फेस। सो हेयर आई एम यूजिंग मार्स 4-in-1 ब्रश विथ फाउंडेशन ब्लश एंड कॉन्टोर एंड 2 आई शेडो ब्रशेज इन 1। तो मैंने बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा प्रोडक्ट डैब मोशन में मैं प्रोडक्ट थोड़ा सा लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए था। इट इज़ एवरी डे लुक, सो आई हैव टू कीप इट मिनिमल। एंड अच्छे से मैं इसे प्रेप करके विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक विच आई हैव लर्न्ड फॉर माई फेस आई एम गोइंग टू कॉन्टोर। आई एम गोइंग टू गो इन स्ट्रेट मोशन एज यू कैन सी, एंड गिव्स अ परफेक्ट शेप फॉर राउंड फेस स्ट्रक्चर्स।
और कॉन्टूर के बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट कि आपके फेस को कौन सा सूट हो रहा है। सो एज आई हैव डन विद द वन साइड ऑफ द कॉन्टूर, मैं दूसरी साइड भी कॉन्टूर कर लेती हूँ और वही सेम मेथड पे मैं डैप करके एक्सेस प्रोडक्ट निकाल रही हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड कॉन्टोरिंग ऑन द अदर साइड एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एक्सेस प्रोडक्ट बिकॉज इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा है और वही पिगमेंट जो ब्रश पे है उससे मैं हल्के हाथों से नोज कॉन्टोर भी कर लेती हूँ, सो इट गिव्स अ नेचुरल फिनिश और ज़्यादा केकी और फ्लेकी मेकअप नहीं होता है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश, विच इज़ माई फेवरेट स्टेप ऑफ मेकअप रूटीन। आई एम यूजिंग गश ब्यूटीज ब्लश इन द शेड लैवेंडर हेस। सो इफ यू वॉन्ट द डिस्काउंट कोड, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्काउंट कोड भी लिख दूंगी। सो वेन एवर यू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम गश, यू कैन ऑलवेज यूज माई डिस्काउंट एंड गेट 15% ऑफ। सो हियर आई एम अप्लाइंग ब्लश इन द मिनिमम ऑर्डर और मैं इसे ब्लेंड करना शुरू कर दूंगी। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ड्रामा क्वीन पॉप एक्सो 4 आई शेडो किट। इसमें 4 ब्यूटीफुल शेड्स है, ब्राउन, ब्लैक, न्यूड एंड शिमर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक एज टू फिल इन माय आईब्राउज। तो मैं हल्के हाथों से मैं आईब्राउज फिल कर दूँगी और मैं एक बार ब्रश भी कर दूँगी मेरे आईब्राउज को तो प्रॉपर सेट हो जाए और एक्सेस ना दिखे, तो ये चंकी और जो फ्लेकीनेस होती है आईब्रोज में वो भी ना दिखे। तो मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर रही हूँ। फॉर द बेस ऑफ द आईलिड्स आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर और इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और ये अच्छे से एक बेस बन जाता है। तो मैंने अब कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू यूज द सेम पैलेट विच आई यूज फॉर आईब्रोज और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ न्यूड शेड फ्रॉम द पैलेट एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय आईलिड्स। सो नाउ आई एम यूजिंग राउंड ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम स्विस ब्यूटी और मैं ब्राउन कलर लेके थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर रही हूँ। ये अच्छा सा शेडो देता है फॉर द शेप ऑफ योर आईज। सो नाउ आई विल क्विकली डू माय सेकेंड आई। सो दिस इज़ द आई मेकअप फॉर एवरी डे नेचुरल मेकअप। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्राउन काजल। आप अगर चाहे तो आप कोई भी कलर काजल अप्लाई कर सकते हैं, तो आज मैंने चूज़ किया है ब्राउन विच गिव्स अ नेचुरल फिनिश। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉप एक्सो का ड्रामा क्वीन आई शेडो अगेन फॉर आईलाइनर ब्लैक कलर में और मैं थिन ब्रश के मदद से मैं आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ।
तो अगर आप बिगिनर है टू अप्लाई आईलाइनर्स तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और ये अच्छे से अप्लाई होता है। अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो यू कैन ईजिली रब इट ऑफ और आपकी आईज़ पे ये हार्श लाइन्स और हार्श स्ट्रोक्स भी नहीं देता है। हम मैं यूज़ करने वाली हूँ लिप ग्लॉस इंस्टेड ऑफ एनी लिपस्टिक बिकॉज इसमें थोड़ा सा पिगमेंट है एंड शिमर भी है, सो एनी टाइम ऑफ द डे शिमर इज़ द बेस्ट। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस इवनली ऑन माई लिप्स। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेकअप फिक्सर फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड आफ्टर अप्लाइंग यू हैव टू वेट फॉर 30 seconds एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर डे। सो दिस मेकअप फिक्सर हैज़ एलोवेरा एंड विटामिन ई विच अगेन हेल्प्स टू हाइड्रेट द फेस। सो दिस वॉज माई एवरी डे नेचुरल मेकअप लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि मैं नेक्स्ट मेकअप लुक कौन सा करूँ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।